हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं ब्लॉग शुरुआत कर रही हूँ नाश्ता प्लस लंच बनाने से। तो अभी मैं बना रही हूँ सूजी के अप्पे। तो इसमें मैंने दही डाली है और पानी डाला हुआ है और सूजी है। तो इसको मैंने थोड़ी देर भिगो के रख दिया था। उसके बाद फिर मैं इसमें प्याज काट रही हूँ। तो प्याज काटने के बाद मैं ये अभी जिया के लिए बना रही हूँ, क्योंकि राजा और डुग्गू यहाँ पे नहीं थे क्योंकि वो लोग डॉक्टर के पास गए थे। एक क्लिप ऐड करूंगी जो कि है हम लोग क्या मशीन से उधरवाने आए थे, वो लोग आए हुए थे तो इस कारण से मैं नहीं जा पाई और उसके डॉक्टर का टाइम निकल जाता। तो इसमें मैं डाल रही हूँ राई और करी पत्ते का तड़का, और इसमें आपको जो भी वेजीज डालनी है वो आप डाल लीजिए। तो अगर मैं एकदम प्लेन बनाती हूँ तो ये लोग बहुत आराम से खाते हैं, वो प्याज भी बहुत ज़्यादा अवॉइड कराते हैं, मतलब खाते नहीं है ऐसे। पर मैंने फिर भी डाल दिया, थोड़ा फ्लेवर रहेगा। देन फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा खाना थोड़ा डालूंगी, और इससे जो है वो थोड़ा इसमें कहते हैं ना फूल जाएंगे। तो उसमें थोड़ा सा खाना थोड़ा डाला है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अप्पे मेकर में, ये नॉन स्टिक अप्पे मेकर है, इसमें मैंने जो अप्पे हैं वो डाले हैं एंड देन फिर मैंने इसे ढक दिया था। तो इस टाइम पे सिर्फ मेरी हेल्प और जिया थी घर पे, और राजा और डुगु अपना वो कराने गए थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि ऑब्वियसली यार वो जो लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना निकले। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो अप्पे हैं वो टर्न कर रही थी। तो थोड़े से एक्स्ट्रा भी मैंने कर लिए थे कि इनकेस अगर डुगु थोड़ा जल्दी आ जाता है तो कुछ बना रहेगा उसके लिए, राजा और अपने लिए। मैंने सोचा कि बाद में इसमें और हरी मिर्च वगैरह और डाल के फिर बनाएंगे, क्योंकि फिर एकदम ही प्लेन हो जाते हैं। इसके साथ टमाटर की चटनी बड़ी अच्छी लगती है, वो आप बना लीजिए। और इस तरह से मैंने सिर्फ एक ही बैच अप्पे का निकाला था। फिर मैंने यहाँ पे खिड़की ओपन करी, क्योंकि हमारी खिड़की में ग्रिल नहीं है। तो डुगू क्या करता है, कॉट पे चढ़ता है और वो कूदने की कोशिश झाँकता है तो डर लगता है कि गिर ना जाए। तो इसलिए मैंने ओपन करी क्योंकि वो नहीं था और वो थोड़ा सेफ हो जाता है। तो जिया को खाना खाना था, उन्हें खाना खिला रही थी वो। बट जिया के साथ एक चीज़ है, जिया को खुद खाना होता है। जिया मेरे हाथ से भी बहुत कम खाती है, वो उसे खुद ही प्लेट चाहिए, वो गिराएगी पर खाती है, तो हम लोग उसे मना नहीं करते। तो यहाँ पे खाना खा रही थी और इसी बीच मैंने वो क्लिप ऐड करी है जिस टाइम पे वो लॉक चेक करने आए थे। हमारी जो फ्रंट लोड मशीन है उसका लॉक खराब हो गया है। तो बस यार इसलिए मैं जाना चाहिए। तो मैंने ब्लॉग शुरू किया, जियो को खाना दिया। अभी डुगू का खाना मुझे करना है। डुगू और राजा गए हुए हैं डॉक्टर के पास भी, क्योंकि मशीन वाले आए थे, काफ़ी लेट हो गए, मशीन नहीं सुधरी है, उसका लॉक ख़राब हो गया है। 1 साल हुआ मशीन को और फ्रंट डोर का लॉक ख़राब हो गया, लाइक फ्रंट लोड है मशीन। तो कंपनी वालों को कॉल करना है, उनने अभी कुछ टेम्परेरी बता दिया है कि इसको ना खोल के एक वायर निकलती है उसे खींचना है तो ये लॉक अनलॉक हो जाएगा। तो अभी कुछ बेडशीट वगैरह रखी है तो वो करना है, और ये चालू ही है मेरी मशीन, 1 साल नहीं हुआ, अभी वारंटी में है वैसे। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे थोड़ा ना अभी प्लग प्लग निकाल के इसे थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, है ना, थोड़ा डीप क्लीन हो जाए। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मेरे को इसके आ गए थे तो लेट हो गए हम लोग। तो मैंने राजा को बोला कि तुम ही चले जाओ, क्योंकि अभी अगर हम सब लोग जाते हैं एक साथ तो बहुत दिक्कत होती, और उसे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी था जैसे कि मैंने आपको इश्यू बताया। ऑल दो मेरी हौसल पे आ रही थी कि वो गंदगी है जो कि निकल रही है, बट फिर भी हम एक कहते हैं ना डॉक्टर से पूछने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे को उसका थोड़ा पता करना था कि वो जो चीज़ की ओपनिंग है इट्स लाइक फुल क्लोज्ड, तो वही सब चीज़ें। तो अभी ना धूप बहुत अच्छी तेज़ निकल रही है कुछ दिनों से, तो जैसे आपकी चीज़ें सुखाने उखाने वाली वो आप डाल दीजिए। तो वो कहते हैं ना धूप, मेरे को उसमें भी बेडरूम में भी लगानी थी, तो मेरे को वही लगा क्योंकि डुग्गू नहीं करने देता है कुछ। तो यहाँ पे जिया को मैं क्लीन कर रही थी, और जिया के जितने भी काम है, चाहे खाना बनाना हो, उसकी चेंजिंग हो, नहलाना हो, वो सारे काम मेरे हैं। जो मेरी हेल्प लगी हुई है वो घर के काम भी देखती है और बीच बीच में बच्चों को भी देखती है। तो बच्चों की पूरी लाइक, वो नैनी नहीं है, प्रॉपर नैनी जो इन लोगों की लगी हुई थी, वो इनकी डायपर चेंजेस भी करती थी, और खाना तो कभी नहीं बनाता था कोई भी। हाँ, एक जो बीच में थी वो कभी कभी इन लोगों के लिए बना देती थी अगर मेरी तबीयत खराब है, एक जो इससे पहले लगी हुई थी। बट बच्चों से रिलेटेड सारे काम, कपड़े से धोना वोना, सब मेरा ही रहता है, उसमें फोल्डिंग का काम उनका रहता है। लाइक इट्स हेल्प, अगर किसी को भी लगता है कि वो प्रॉपर नैनी है तो वो नैनी नहीं है, वो हेल्प है। तो उसके चाहे डायपर चेंजेस हो या कुछ भी हो, वो सब मैं करती हूँ। तो जिया को मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया था, और उसके बाद फिर मैं जिया को देने चली गई थी, क्योंकि मेरे ना गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरी छाती में दर्द हो रहा था, गले में दर्द हो रहा था, क्योंकि अभी मेरे दोनों बच्चों को इन्फेक्शन था तो लग रहा था कि हो जाएगा प्रॉब्लम। एंड देन फिर मुझे थोड़ी एडिटिंग भी निपटानी थी, तो मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ वहाँ के एडिटिंग का। फिर मैंने यहाँ पे बनाया अपने लिए हल्दी का पानी, और गाइस ये इतना ज़्यादा अच्छा है, मेरे को परसों सर्दी होने वाली थी, मैंने ये 3 ग्लास पिया है परसों बना बना के,
और कल पिया और मेरे को पता है सर्दी, गले का दर्द भी चला गया और सर्दी भी नहीं हुई, लेकिन इन्फेक्शन छू के चला गया। तो यहाँ पे मैं हल्दी का जो पानी है वो डाल रही थी अपने लिए। हो नहीं रही है, मैं सारे काम धाम छोड़ के अच्छा। हल्दी का पानी है पीना है, चाय नहीं है पूरे टाइम। इसमें दो थोड़ा सा एक घूट का अच्छा दवाई हो जाएगी इसकी भी ना। बस 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 आ मैं पिलाती हूँ अच्छी वाली चाय, अच्छी वाली, अच्छी वाली दो मेरे को दो। कर मैं देखूँ नीचे से बहुत गर्म है। हल्दी का पानी पी रही, थोड़ी सी एडिटिंग बची है वो कर रही हूँ, और मेरी छाती बहुत दुख रही है, मेरे को लग रहा है इन्फेक्शन हो रहा है। डुगू जिया का अब ठीक हो रहा है, डुगू का भी ठीक हो रहा है, उसकी तीसरे दिन की सर्दी है और मेरा यहाँ पे इतना दर्द हो रहा है। कल ही मेरे को छाती में दर्द हो रहा था, आज मेरा पूरा गले से लेकर छाती तक दर्द हो रहा है। तो मैं थोड़ा बैठूँगी। तो डुगू आ गया है और अभी पापा के साथ बैठा हुआ है, दवाई दे रही है उन्हें और यूरिन का सैंपल के लिए उन्हें दिया है। एक्चुअली पता है वो लोग सैंपल अगर आप अपने घर ही किसी डब्बे में लेके जाओगे तो वो कलेक्ट नहीं करते हैं। तो यूरिन के सैंपल डब्बा दिया है तो वो शाम तक दे के आएँगे कि कहीं UTI की उन्हें शंका लग रही है तो क्योंकि अगर ऐसा कोई डिस्चार्ज सुबह उठा था तो नहीं था डिस्चार्ज, और UTI मेरे को लग ही रहा था कि वो एक बार देंगे। बाकी उसे फीवर वगैरह कोई सिम्टम नहीं है UTI का, तो मुझे लग रहा है कि मेरी हाउस हेल्प भी सही हो सकती है अपनी जगह पे, कि जो गंदगी होती है वो, क्योंकि उसका ओपन नहीं है। फिर मैंने राजा से कहा था कि उसके ओपनिंग की सर्जरी के बारे में बात करके आना, तो एकदम परफेक्ट टाइम है उसकी उसके लिए सर्जरी के लिए। बट डॉक्टर कह रहे हैं कि आप वेट भी कर सकते हो, क्योंकि हमने हर चीज़ से ट्राई कर लिया, ऐसा नहीं है कि हमने खोलने की कोशिश नहीं करी। जो भी हाउस हेल्प आती है ना, ये जो मेरी 6-8 घंटे की हेल्प है, वो बोल रही थी कि उनके बेटे का भी 1.5 साल में खुल गया था, उनकी मदर इन लॉ ने खोला था। डुगू का तो भैया बहुत हमने ट्राई किया, क्या नहीं ट्राई किया यार, सब कुछ किया पर नहीं ओपन हुआ। तो कोई भी चीज़ अगर बंद है तो वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यू कांट क्लीन। बच्चा डेली नहा रहा है, सब कर रहा है, उसके बाद भी वो पार्ट क्लीन नहीं हो रहा है, तो वो है। तो फिर हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि ठंड आ रही है, ठंड में चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं कि दर्द वर्द, क्योंकि अभी ये जो फेस्टिवल टाइम है उसका पूरा फेस्टिवल टाइम वो हो जाएगा। तो मेरा तो वो थी कोई महीना डिसाइड कर लेते हैं और उस महीने में हम लोग अगर उसकी सर्जरी है तो वो करा लेते हैं। डॉक्टर कह रहे थे आप करा सकते हो आप, या फिर आप वेट कर सकते हो, क्योंकि यार अगर बच्चे के साथ और कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये उनके हिसाब से इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अभी उसे पी करने में दिक्कत नहीं है। कहते हैं अगर बच्चा पी कर पा रहा है और चीज़ें अभी तक उस पार्ट से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि UTI अभी टेस्ट होगा उसका, ऐसा कुछ नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। बट अगर बच्चा पी नहीं कर पा रहा है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे का अगर ओपन नहीं होता, आई डोंट नो यार, बहुत लोगों को अजीब लगता होगा जिनके बच्चे नहीं है बट जिनके बेबी बॉय वो रिलेट कर सकते हैं, ओपन नहीं है तो वो वाला पार्ट बलून टाइप जब वो पी कर रहा होता है तो वैसा होता है। तो देखते हैं, हम डिसाइड करेंगे, उनने हम ही पे छोड़ा है डिसाइड करने के लिए। दवाई उन्हें अभी आज सच कुछ नहीं दी है उसे, एंटीबायोटिक तब दी जाएगी अगर उसे UTI निकलता है, क्योंकि फीवर अभी तक आया नहीं है और मैं वेट भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी हाउस हेल्प की बात भी सुनी। बट मैंने डुगू को भेजा भी किया, उसको ले जाओ। तो अभी मैं अपना पी रही हूँ हल्दी वाला पानी, टर्मरिक वाटर है, मेरी मम्मी बहुत पीती थी यार बहुत, इससे थोड़ा इन्फेक्शन जो है वो टलेगा। तो कपड़े मैंने धोने के लिए लगाए हैं, नीचे से ही खींच के उसे अनलॉक करना पड़ेगा, तो इसीलिए अभी मेरे को देखना है, उनको कॉल करती हूँ फिर कंपनी वाले आएंगे। अंडर वारंटी है तो आई डोंट नो उस पार्ट का पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, बट फ्रंट लोड इतनी जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैं ही उसे ऑपरेट करती हूँ, चलाती हूँ, डोर का लॉक ख़राब हो गया। अरे अभी राजा आए, मैं अपे बना देती हूँ और ये खा लें।
गिलास गंदी पड़ी है तो वो चली गई थी और वो शायद भूल गई आज साफ करना। खैर कोई नहीं, मेरे को चाय दे गई थी तो मेरे को लगा आके फिर सफाई कर देती हूँ। मेरा पता साड़ी पहनने का इतना ज़्यादा मन कर रहा है, इतना मन कर रहा है कि मैं क्या बोलूँ, साड़ी पहन के तैयार होना दुर्गा पूजा, कितना मन कर रहा है यार। दूसरा दिन है और सी अ मदर लाइफ ऐसी होती है तो क्या होता, मैं करती सब। एक तो पिंपल का इशू हो गया, फिर डुगू को स्कूल नहीं गया दो दिन से, दो दिन से स्कूल गया होता तो मेरा कुछ काम होता। सैटरडे संडे कल छुट्टी है उसकी, देखते हैं कुछ तो तैयार होंगे यार। त्यौहार में अगर तैयार ना होना तो अंदर से अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं फटाफट करूंगी गैस की क्लीनिंग, और ये क्लीनिंग वैसे डेली ही होती है बट कभी कभी डीप क्लीनिंग होती है जो कि गैस उठा के मेरे को लगता है कि मेरी जो हेल्प है वो कर रही होती है बट नहीं होता है वो। एक्चुअली मैं नीचे से गैस बहुत ज़्यादा गंदी थी, टाइल्स मैंने साफ करी थी तो मेरा जो कुकर है वो इतना बड़ा धोखेबाज है, वो हमेशा मेरी टाइल्स को येलो येलो कर देता है, स्टेन मार देता है। तो मैं कर ही रही थी काम, जिया नीचे थी, थोड़ी देर वो वेट करती है अगर मैं काम कर रही हूँ, उसके बाद फिर वो शुरू हो जाती है कि गोदी लो, तो वो गोदी लेने के लिए तैयार हो गई कि मुझे गोदी ले लो। और गोदी लेती मैं, उससे पहले मेरे को लगा कि यहाँ पे मैं पहले नीचे की क्लीनिंग कर देती हूँ क्योंकि वहाँ से ना येलो येलो जो चीज़ है वो विजिबल हो रही थी, और यहाँ की लाइट ठीक हो गई है तो उसके बाद मुझे जो चीज़ें हैं वो अच्छे से दिख रही हैं। अब ये पानी पी रही थी, खाना खुद खाएगी, मैं पानी खुद से नहीं पीना है, मैं बार बार उसको पिलाऊँ तो आपको बाय हाय सब कर रही है एक साथ। तो यहाँ मैं बस क्लीनिंग करके उसे लेके जाती क्योंकि मुझे हॉल भी थोड़ा सा क्लीन करना था। जब एक बच्चा होता है, एक बच्चा संभालना ज़्यादा ईजी होता है यार, दो बच्चे संभालना थोड़ा ज़्यादा टफ होता है। और ना यहाँ मेरे लिए जिया को भी ऐसा रहता है कि जिया को अकेले संभालना, क्योंकि जिया का खेलती भी रहती है ना, तो डुग्गू और जिया के साथ में होंगे तो आपको एक नज़र वॉचमैन बन के बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहीं वो लोग दूसरे को मार ना रहे हैं क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली मार मार के ही खेलते हैं। तो मैंने लाइट बंद करी, किचन हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे फटाफट क्योंकि मेरी जो हेल्प है वो आई थिंक कुछ करके जाना भूल गई थी, जैसे कि झाड़ना वाड़ना होता है ना शाम में जा रहे हो कुछ, तो मैंने यहाँ पे जो सोफे के कवर थे वो पलटाए और उसके बाद फिर जिया मुझे थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रही है। तो बच्चों को मैं अभी से सिखा रही हूँ हेल्प वगैरह करना, डुगू भी बहुत हेल्प करता है और जिया भी करने लगी है। तो यहाँ पे कुछ पानी गिरा था तो वो कह रही थी इस कपड़े से पोंछ दो, बल्कि ये कपड़े पहनने वाले थे तो मैंने उससे मना किया कि नहीं भाई नहीं पोंछने इससे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली, फिर हमने अपनी फेवरेट लाइट जलाई, मुझे येलो लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं, वो आंखों में थोड़ा मेरे को पता नहीं व्हाइट लाइट से ना आंखों में सूदिंग फीलिंग नहीं होती। फिर वो डुगू के ना रहने का पूरा फायदा उठाते हुए उसी गाड़ी में मस्त घूम रही थी, क्योंकि जिया की ब्लू कलर की गाड़ी है, डुगू की ये वाली गाड़ी है, और जिया को अपनी गाड़ी नहीं डुगू की गाड़ी पसंद है, और डुगू को अपनी नहीं जिया की गाड़ी पसंद है। और जब इन्हें लड़ना होता है तो एक गाड़ी के पीछे ही लड़ लेते हैं। तो मुझे पूजा करने जाना था, उससे पहले मुझे लगा मैं हल्दी का पानी बना के रख जाती हूँ ताकि उसके बाद फिर मैं आके पी लूँगी। तो मैंने हल्दी का पानी लगा दिया, चढ़ा दिया था, घर मेरा एकदम साफ था, मैं बहुत इत्मीनान से होती हूँ मेरा घर साफ होता है, क्योंकि घर गंदा होता है ना तो पता नहीं उस दिन आपका दिमाग भी खराब होता है, पता नहीं यार होता है। आप देखने कभी अगर बहुत साफ होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। देन फिर मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी, एक जोत रहती है लाइक जोत जो रहती है शाम में चला दो और आरती कर लो, तो यहाँ पे मेरी जो पूजा थी वो भी हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अद्विक आ गया था, और अद्विक आपको दिखा रहा था अपने खिलौने जो कि वो मुंह में डाल रहा था, फिर मैंने वो निकाल के फेंक के जिया को मैंने रेडी किया। मेरे को जाना था थ्रेडिंग बनवाने, फाइनली मैंने सोचा कि यार अब थ्रेडिंग बनवा ली जाए क्योंकि मैं जंगली लग रही थी। एक तो मेरे चेहरे पे दाग धब्बे पिंपल सब हो गया, ऊपर से आई पार्ट भी मेरे जो आईब्रो है वो भी नहीं बनी हुई, तो पूरा जंगल हुआ हुआ था आईब्रो की जगह पे। मेरी आईब्रो जो है वो आउट ऑफ शेप थी, इवन वैसे अगर फिल भी करती हूँ ना ब्रो पेंसिल से तो वो इतनी अच्छे से होती नहीं है। देन फिर मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, दोनों को देख रही थी, ये इतने बड़े चीटिंग हो रहे हैं, इतने बड़े चीटिंग हो रहे हैं, एक दूसरे की चीटिंग करनी, कोई गिरेगा तो वो गिरेगा, कोई घुटना चलेगा तो उसको भी घुटना चलना है, लाइक सेम सेम एक दूसरे को कॉपी करना, एक दूसरे को एग्जैक्ट कॉपी मारते हैं ये लोग, तो वही ये लोग करने में लगे हुए थे। उसके बाद फिर मैंने इन लोगों को शू वगैरह पहनाए, जिया ने पहने नहीं हुए थे क्योंकि, एंड देन फिर हम लोग निकल गए थे आईब्रो बनवाने, क्योंकि आईब्रो बनवाने की मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे अपने पार्लर लाइक जो पार्लर जाती हूँ रोज से आईब्रो बनवाई, हालांकि मेरे बाल इन्होंने काटे थे बट यार ये लोग मेरी आईब्रो बहुत अच्छी बनाते हैं और कभी कभी हो जाता है बट मेरे को ऐसे कुछ हुआ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है वो पार्लर। एंड देन फिर मैं आपको ये जो दुर्गा जी हैं जबलपुर की, ये किस दिन एक सेपरेट ब्लॉग में घुमाऊंगी, तो बहुत ही अच्छे से जो सिटी है वो डेकोरेटेड है, इट्स लाइक सो गुड, लाइक इतना अच्छा
लग रहा था ना, मजा आ जाता है। नवरात्रि में जबलपुर की रौनक बहुत अच्छी रहती है। मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें हम नवरात्रि घूमेंगे। देन फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे अपनी वॉक पे, और ये वॉक हम लोग डेली करते हैं। और यहाँ पे ना पता है डांस प्रैक्टिसेस, बहुत सारी चीज़ें होती है, काफ़ी अच्छा क्राउड रहता है, ज़्यादा क्राउड भी नहीं रहता, बट जो क्राउड रहता है वो अच्छा रहता है। क्योंकि हम थोड़ा सा लेट ही आते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि हमारे घर से डिस्टेंस है यहाँ का, पास में नहीं है, हम लोग अपने पास वाले गार्डन में नहीं जाते जस्ट बिकॉज वहाँ का क्राउड अच्छा नहीं है, और यहाँ पे बच्चे अच्छे से घूम लेते हैं। तो थ्रेडिंग मैंने बनवा लिया फाइनली, और चेहरा थोड़ा सा साफ लग रहा है थ्रेडिंग वाली वजह से। यहाँ से अभी हैं ये, तो मैं खाना बना रही हूँ, बच्चों को घुमा के ले आए अच्छे से, वो खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो दोपहर में कोई नहीं सोया है, दाल हो गई है और राइस हो रहे हैं, जल्दी से सब्जी बना लेते हैं। ना मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू प्याज की सब्जी और दाल चावल। तो प्याज की जो सब्जी है ये मेरी मम्मी हम लोगों को टिफिन में देती थी। तो मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे आप नवरात्रि में प्याज खाते हो, और मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ यार हम लोग ना ज्वारे ही रखते, जैसे मम्मी लोग नीचे ज्वारे रखते हैं तो वो लोग नहीं खाते, कुछ लोग नहीं खाते हैं। मैं हमेशा से खाती हूँ तो मैं उस चीज़ को मानती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ वो गलत दिखा रही हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि अगर मैं खा रही हूँ तो मैं वो चीज़ दिखा दूंगी, जैसे मैं नॉन वेज नहीं खाती, मैं एग नहीं खाती हूँ, तो वो मैं कभी भी नहीं दिखा पाऊंगी कि मैं खा रही हूँ या कुछ भी है ना। बट मेरे साथ ऐसा है कि मैं नवरात्रि में अगर मैं खा भी रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। हम लोग क्या ऐसे कभी मेरे घर में भी, हम लोग जब बचपन से भी रहे हैं तो नवरात्रि में हम लोगों ने नहीं देखा कि मम्मी ने नहीं बनाई, ऑल दो हम लोग पंडित हैं। फिर मम्मी ने जब सप्तशती के पाठ बिठाना शुरू किए तो बीच में फिर मम्मी ने भी बनाना बंद कर दिया था, फिर नीचे भी नहीं बनती मेरी मदर इन लॉ के यहाँ पे, क्योंकि वो लोग ज्वारे रखते हैं, बट वो अब यहाँ पे रहते ही नहीं है कभी भी त्यौहार में, तो अब वो पता नहीं ज्वारे रखते हैं नहीं रखते हैं, मुझे नहीं मालूम है। तो अगर नहीं रखते हैं तो फिर वो लोग भी खाते हैं, तो ऐसा है यार। तो मुझे पता है कुछ लोग जज करेंगे बट ठीक है ना। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो दाल है वो रेडी कर ली है। दाल रेडी करने के बाद फिर आ गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे मैडम जी खुद ही खाना खा रही है। मेरी बच्ची कितना फैलाएगी आप लोग यकीन नहीं कर सकते हो, आज चादर बिछाओ 5 मिनट में वो चादर खराब कर देगी, सोफे से लेके सब कुछ खराब कर देगी। वो खुद खाएगी, वो किसी के हाथ से नहीं खाती। मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि वो ना खिलाएं खाना, ये वो एक दो कौर खाएगी, वो खुद ही खाती है, उसे कुछ भी दे दो, और चम्मच भी आप वो कोई बोले कि छोटी नहीं दे रहे हो या वो छोटी नहीं, वो बड़ी चम्मच लेके आती है, वो खुद सिलेक्ट करती है, कपड़े खुद सिलेक्ट करके पहनना है इन्हें, जो सबसे रद्दी कपड़े होंगे ना वो दोनों सिलेक्ट करेंगे, वो पहनेंगे, नए कपड़े नहीं पहनेंगे, गंदे कपड़े पहनेंगे वो लोग, उनको वही चीज़ें चाहिए होती है जो उन्हें पसंद आ रही है। तो वो खाना खा रही थी, थोड़ी हेल्प मैं भी कर रही थी उसे खाने में, तो यहाँ पे वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी जो कि उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है। और उसके बाद मैंने उसे फटाफट खाना खिलाया है। डुगू दूध नहीं पीता है, उसे पता नहीं क्या है, वो वॉमिट करता है, डुगू को मुझे अलग ब्रेकफास्ट देना पड़ता है। तो कल मैंने खाना बनाया, उसके बाद फिर डुगू की रिपोर्ट आई, और डुगू की रिपोर्ट क्लियर है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, ज़्यादा रिलैक्स हूँ। जिया को भी खाना खिलाया है, और अब हम पियेंगे चाय पियेंगे। और मैंने ना कल रात में पिंपल में कुछ नहीं लगाया और अपने आप सूख रहे हैं। हाय, गले मेरे दर्द था, मैंने पिया हल्दी का पानी 2 बार लगातार, रात में बनाया सो गई मैं, वो रखा रह गया, राजा ने नहीं पिया और मेरा गला क्लियर हो गया। क्या 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 चाय क्या चाहिए आपको? अच्छा कार में जाना है, देखिए पापा कहाँ जा रहे, जाके देखिए छू, अच्छा छू अभी नहीं बेटा, पापा मेरा नेल पेंट रिमूवर लेने का, मैं नेल पेंट छुड़ाने की, मैं इतने पेन चौक या पेन चौक मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। अच्छा लग रहा है मुझे एंड हैप्पी नवरात्रि, तीसरा दिन लग रहा था कुछ ऐसा ना हो जाए, पर भगवान माता रानी की कृपा है कि डुगू सही है।